आपको 5G बनाम 4G के बारे में जानने की आवश्यकता है और 5G क्यों महत्वपूर्ण है और यह कैसे दुनिया को जोड़ने और संचार करने के तरीके को बदल रहा है इस वीडियो में 5G वर्सेस 4G इसके बारे में बता रही हूँ कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें

वन जी दूरसंचार नेटवर्क की पहली पीढ़ी उन्नीस आइए हम एक दूसरे से बात करें टू जी डिजिटल नेटवर्क उन्नीस हमें संदेश भेजने और यात्रा करने की सुविधा देते हैं रोमिंग सेवाओं के साथ थ्री जी उन्नीस एक बेहतर मोबाइल इंटरनेट अनुभव लेकर आया सीमित सफलता के साथ 3.5G वास्तव में मोबाइल इंटरनेट अनुभव लेकर आया है मोबाइल एप्स पारिस्थितिकी तंत्र को मुक्त करता है 4G 2008 नेटवर्क सभी आईपी सेवाओं वॉयस और डेटा एक तेज ब्रॉडबैंड इंटरनेट अनुभव एकीकृत नेटवर्क आर्किटेक्चर और प्रोटोकॉल के साथ लाए 4G LTE दीर्घकालिक विकास के लिए 2009 से शुरू होकर डेटा गति दोगुनी हो गई 5G नेटवर्क 2022 ब्रॉडबैंड वायरलेस सेवाओं को मोबाइल इंटरनेट से परे आईओटी और महत्वपूर्ण संचार खंडों तक विस्तारित करता है जो ट्रेल उद्देश्य के लिए चुनिंदा क्षेत्रों में उपलब्ध है 5G एंड द प्रीवियस मोबाइल जेनरेशन एट ए डू यू रिमेम्बर हाउ मच यू लव यू जी मोबाइल Point 1G, the first generation of telecom networks, 1979, let us talk to each other and be mobile. Point 2G, digital networks, 1991, let us send messages and travel with roaming services. Point 3G, 1998, brought a better mobile internet experience with limited success. 0.3.5G brought a truly mobile internet experience, unleashing the mobile apps ecosystem. 0.4G, 2008, networks brought all IP services, voice and data, a fast broadband internet experience with unified networks, architectures, and protocols. 0.4G LTE, for long-term evolution, starting in 2009, double data speeds.

अधिक प्रतिक्रियाशील और समग्र रूप से अधिक शक्तिशाली अनुभव देना है वास्तविक शब्दों में इसका क्या अर्थ है शुरू करने के लिए मूवी या शो डाउनलोड करते समय बेहतर गति वीडियो चैटिंग के दौरान कम अंतराल कनेक्टेड कई उपकरणों के साथ बेहतर प्रदर्शन और गेमिंग के दौरान अधिक सहज अनुभव वॉट इज फाइव जी 5G is the fifth generation of mobile technology. The move to 5G is to give consumers and businesses a faster, more responsive, and overall more powerful experience. What does that mean in real terms? To start, superior speeds when downloading movies or shows, less lag while video chatting, better performance with multiple devices connected, and a more seamless experience when gaming. 5G कैसे काम करता है अन्य सेलुलर नेटवर्क की तरह 5G रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है जो डेटा भेजने के लिए स्पेक्ट्रम पर सवारी करता है लेकिन 5G नेटवर्क किसी भी फ्रीक्वेंसी पर चल सकता है जिसमें हाई बैंड, शॉर्ट रेंज एयरवेव्स शामिल है 5G नेटवर्क स्पेक्ट्रम के तीन अलग अलग बैंड लो बैंड बैंड और हाई बैंड का उपयोग करके बनाया गया है 5G राष्ट्रव्यापी निम्न बैंड स्पेक्ट्रम का उपयोग करता है और उच्च प्रदर्शन 5G अल्ट्रा वाइड बैंड, मध्य बैंड और उच्च बैंड स्पेक्ट्रम के संयोजन का उपयोग करता है सी बैंड एक मिड बैंड वायरलेस स्पेक्ट्रम है जो अब 5G अल्ट्रा वाइड बैंड नेटवर्क का हिस्सा है सी बैंड स्पेक्ट्रम 5G नेटवर्क के लिए क्षमता और कवरेज के बीच एक मूल्यवान मध्य आधार प्रदान करता है और लाखों ग्राहकों के लिए गतिशीलता होम ब्रॉडबैंड और व्यावसायिक इंटरनेट समाधानों का विस्तार करते हुए 5G गति का लाभ उठाता है हाउ डज फाइव जी वर्क लाइक अदर सेल्यूलर नेटवर्क फाइव जी यूज रेडियो फ्रीक्वेंसीज दैट राइड ओवर स्पेक्ट्रम टू सेंड डेटा बट फाइव जी नेटवर्क्स कैन रन ऑन एनी फ्रीक्वेंसी इंक्लूडिंग द हाई बैंड शॉर्ट रेंज एयर वेवस 5G network is built using three different bands of spectrum low band, mid band, and high band. 5G nationwide uses the low band spectrum, and high performance 5G ultra wideband uses a combination of mid band and high band spectrum. C band is a mid band wireless spectrum that is now part of 5G ultra wideband network. C band spectrum provides a valuable middle ground between capacity, and coverage for 5g networks and takes advantage of 5g speed while expanding mobility home broadband and business internet solutions to millions of customers 5g ultra wideband बैंड के क्या फायदे हैं 5g अल्ट्रा वाइड का उपयोग करने के कई फायदे हैं जिसमें 5g स्पीड के फायदे भी शामिल है नंबर 1 आपके पास अभी जो है उससे 10 गुना तेज इसलिए आपके सभी डाउनलोड में कुछ ही समय लगता है मिनटों में मूवी प्राप्त करें या सेकंड में एक गीत प्राप्त करें नंबर दो सार्वजनिक वाईफाई से तेज और सुरक्षित इसलिए जब आपको ऑनलाइन जाना हो तो आप धीमी गति को अलविदा कह सकते हैं अपने स्वयं के हॉटस्पॉट बने और हैकर्स या स्नूपर्स के बारे में चिंता करना बंद करें नंबर तीन एच में वीडियो और ऑडियो इसलिए आप अपने परिवार या सहकर्मियों के कम छायांकित चेहरों के साथ बिना वाईफाई के वीडियो और वीडियो चैट स्ट्रीम कर सकते हैं नंबर चार उन जगहों के लिए बनाया गया है जहां लोग एक ही समय में अपने फोन का उपयोग कर सकते हैं तो आप कनेक्ट होने पर अपने आसपास के सभी लोगों द्वारा धीमा किए बिना स्ट्रीम साझा पोस्ट और काम कर सकते हैं नंबर पाँच अपने फोन पर कंसोल क्वालिटी गेमिंग तो आप लो लैग के साथ चलते फिरते गेम खेल सकते हैं जब आप 5G अल्ट्रा वाइडबैंड कवरेज क्षेत्र में नहीं होते हैं तब भी आपको 4G LTE नेटवर्क के अलावा 5G राष्ट्रव्यापी के साथ एक बेहतरीन नेटवर्क अनुभव प्राप्त हो सकता है तुलना औसत दर्जे का 4G LTE स्पीड से है नेटवर्क और कवरेज की स्थिति के आधार पर डाउनलोड गति भिन्न हो सकती है वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ फाइव जी अल्ट्रा वाइड बैंड देर आर मेनी बेनिफिट्स टू यूजिंग फाइव जी अल्ट्रा वाइड बैंड इंक्लूडिंग द एडवांटेजेस ऑफ फाइव जी स्पीड नंबर वन अप टू टेन एक्स फास्टर देन व्हाट यू हैव नाउ सो ऑल योर डाउनलोड्स टेक अ फ्रैक्शन ऑफ द टाइम गेट अ मूवी इन मिनट्स और अ सॉन्ग इन सेकंड्स Number 2 Faster and safer than public Wi-Fi. So you can say goodbye to slow speeds when you need to get online, on the go. Be your own hotspot and stop worrying about hackers or snoopers. Number 3 Video and Audio in HD. So you can stream video and video chat without Wi-Fi, with fewer frozen faces from your family or coworkers. Number four, built for places where people can use their phones at the same time, so you can stream, share, post, and work without being slowed down by everyone around you when connected. Number five, console-quality gaming on your phone, so you can game on the go with low lag. When you're not in a 5G ultra-wideband coverage area, you may still get a great network experience with 5G nationwide. in addition to 4G LTE network. Comparison is to median 4G LTE speeds. Download speeds may vary depending upon network and coverage conditions. 5G और 4G LTE में क्या अंतर है 5G वायरलेस तकनीक की अगली पीढ़ी है 5G उच्च गति 4G LTE की औसत गति से 10 गुना तेज़ कम विलंबता और भारी क्षमता प्रदान कर सकता है वायरलेस नेटवर्क की पांचवी पीढ़ी 2019 से 2020 से मोबाइल इंटरनेट से परे बड़े पैमाने पर आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के विकास को संबोधित करती है आज के 4G और 4, 5G उर्फ एलटी एडवांस एलटीए एलटी प्लस या 4G प्लस की तुलना में मुख्य विकास यह है कि डेटा गति में सुधार से परे नए आईओटी और महत्वपूर्ण संचार उपयोग के मामलों में बेहतर प्रदर्शन के नए स्तर की आवश्यकता होगी उदाहरण के लिए कम विलंबता क्लाउड का उपयोग करने वाली सेवाओं के लिए रियल टाइम अंतक्रियाशीलता प्रदान करती है 5G बनाम 4G का अर्थ कम से कम एक्स एक डिवाइस कनेक्टेड भी है 5G को शून्य दशमलव तीन आठ छह वर्ग मील या एक किलोमीटर के लिए एक मिलियन उपकरणों का समर्थन करना चाहिए इसके अलावा कम बिजली की खपत वह है जो मानव सहायता की आवश्यकता के बिना जुड़ी हुई वस्तुओं को महीनों या वर्षों तक संचालित करने की अनुमति देती है मौजूदा IoT सेवाओं के विपरीत जो मौजूदा वायरलेस तकनीकों थ्री जी फोर वाईफाई ब्लूटूथ जिग्बी आदि से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन ट्रेड बनाती है 5G नेटवर्क को बड़े पैमाने पर आईओटी के लिए आवश्यक प्रदर्शन के स्तर को लाने के लिए डिजाइन किया जाएगा यह एक कथित पूरी तरह से सर्वव्यापी कनेक्टेड दुनिया को सक्षम करेगा संक्षेप में यही इसे परिवर्तनकारी बनाता है 5G जी वर्सेज फोर जी वॉट इज द डिफरेंस 5G is the next generation of wireless technology. 5G can provide high speed, up to 10x faster than median speeds of 4G LTE, low latency, and massive capacity. The fifth generation of wireless networks addresses the evolution beyond mobile internet to massive IoT, Internet of Things, from 2019 to 0 to 0. Compared with today's 4G and 4.5G, AKLT Advanced LTE, LTE Plus, or 4G Plus. The main evolution is that beyond data speed improvements, new IoT and critical communication use cases will require a new level of improved performance. Point for example, low latency provides real-time interactivity for services using the cloud. Point 5G versus 4G also means at least x100 devices connected. 5G must support 1 million devices for 0.386 square miles or 1 square kilometer. Point also, low power consumption is what will allow connected objects to operate for months or years without the need for human assistance. Unlike current IoT services that make performance trade offs to get the best from current wireless technologies, 3G, 4G Wi Fi, Bluetooth, Zigbee, etc. 5G नेटवर्क्स विल बी डिजाइन टू ब्रिंग द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस नीडेड फॉर मैसिव आईओटी इट विल एनेबल अ परसिव्ड एंटायरली यूबिक्विटस कनेक्टेड वर्ल्ड इन शॉर्ट दैट्स व्हाट मेक्स इट ट्रांसफॉर्मेशनल 5G क्या वाई फाई की जगह लेगा सबसे अधिक संभावना है नेटवर्क रोलआउट की प्रगति के रूप में दो प्रौद्योगिकियां समय की अवधि के लिए साहस्तित्व में रहेंगी अभी स्थान और कवरेज के आधार पर वाईफाई के विकल्प के रूप में 5G का उपयोग किया जा सकता है यह सार्वजनिक क्षेत्रों में भी फायदेमंद है जहां 5G वाईफाई से अधिक सुरक्षित हो सकता है 5G होम इंटरनेट और 5G बिजनेस इंटरनेट भी प्रदान करते हैं जो 5G अल्ट्रा अल्ट्रा वाइडबैंड द्वारा संचालित है जो ट्रेयल उद्देश्य के लिए चुनिंदा क्षेत्रों में उपलब्ध है जो अल्ट्राफास्ट वायरलेस इंटरनेट प्रदान करता है और बिना किसी गड़बड़ी के 5G स्पीड का लाभ देता है विल 5G जी रिप्लेस वाई फाई मोस्ट लाइकली द टू टेक्नोलॉजीज विल को एग्जिस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एज नेटवर्क रोल आउट प्रोग्रेस राइट नाउ 5G कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू वाई डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड कवरेज इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल इन पब्लिक एरियाज Where 5G can be safer than Wi-Fi. Also offer 5G home internet and 5G business internet, powered by 5G Ultra Wideband, available in select areas for trail purpose, which provides ultra fast wireless internet and the benefits of 5G speed with no messy wires. Priya dosto mere video code zarur Dear friends, thanks for watching my video. Please comment on my video.